एम आई बैंड 4 की रियल इमेजेस जो हैं वो लीक हो चुकी हैं, और ये इमेजेस जो हैं जस्ट अभी कुछ देर पहले ही लीक हुई है, और इस तरीके का जो है हमें एम आई बैंड 4 देखने को मिल जाता है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, और भी बहुत सारी स्पेसिफिकेशन इसकी इमेजेस और इसका प्राइस इंडिया के अंदर क्या होने वाला है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को गाइज आप लोग पूरा देखते रहिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक सब्सक्राइब का छोटा सा बटन होगा, उसको आपको प्रेस करना है, सब्सक्राइब हो जाना है, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूं। तो गाइज मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं techplusgadgets.com, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप इमेज को ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा चेंज तो आपको यही दिख जाएगा कि आपको एम आई बैंड 4 में कलर डिस्प्ले का सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक एम आई बैंड 3 में आपको मोनोक्रोम डिस्प्ले मिल रहा था, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का डिस्प्ले मिल रहा था, लेकिन अब एम आई बैंड 4 में कलर डिस्प्ले आने वाला है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सब बातें जो है मुझे चाइनीज़ एक वेबसाइट है, बहुत फेमस वेबसाइट है चाइना की, उसका नाम है वेबो, वो ऑलमोस्ट जो है वो लीक्स वगैरह जो होती हैं चाइना के अंदर प्रोडक्ट की उसके बारे में वो ब्लॉक करते हैं, लिखते हैं, तो उनकी जो लीक्स होती है वो 100% सही होती है। तो उसी की वेबसाइट के थ्रू जो है ये इमेज सामने निकल के बाहर आई है। इससे पहले मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊं तो आप लोगों को मैं एक अपडेट देना चाहता हूं कि भाई मैं इस टाइप की न्यूज़ वगैरह के बारे में मैं इंस्टाग्राम पर डालता रहता हूं, तो हमारे चैनल की जो इंस्टाग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहां जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ को जो है पोस्ट और स्टोरीज के थ्रू देख सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं इसके स्पेसिफिकेशन की, तो एम आई बैंड 4 में आपको जो है बिगर डिस्प्ले मिलने वाला है, लाइक एम आई बैंड 3 से अगर कंपेयर करते हैं तो उससे बड़ा जो है आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसमें आपको स्मूथ टच स्क्रीन का सपोर्ट मिलने वाला है, एम आई बैंड 3 में जो टच स्क्रीन का सपोर्ट था उससे भी ज़्यादा जो है इसमें स्मूथ टच स्क्रीन का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और सबसे जो मेजर अपग्रेड हमें सुनने को मिला है वो ये कि इसमें आपको AI सपोर्ट मिल जाएगा, लाइक एक पर्सनल असिस्टेंट टाइप का जो है आपको इस बैंड में देखने को मिल जाएगा। अब वो पर्सनल असिस्टेंट जो है आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक ऑब्जर्व करेगा आपकी बॉडी की कि भाई आपको किस समय क्या करना है, और उस हिसाब से आपको बताएगा। तो ये सब जो चीजें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वो आपको इस बैंड के अंदर जो है देखने को मिल जाएगी। एक और मेजर अपग्रेड हमें एम आई बैंड 4 में देखने को मिलने वाला है वो है ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट। तो फाइनली एम आई बैंड 4 जो है ब्लूटूथ 5.0 के साथ आने वाला है, जिसके कारण इसकी कनेक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। उसके साथ साथ ये बैंड जो है वो दो वेरियंट में रिलीज होगा, तो पहला जो वेरियंट होने वाला है वो NFC सपोर्टेड होने वाला है, दूसरा विदाउट NFC। इन दोनों के मॉडल नंबर जो है वो मैं स्क्रीन पे दे देता हूं, क्योंकि ये जो मॉडल नंबर है वो भी लीक्ड हुए हैं। तो भाई पहला जो NFC वाला है उसमें उसके थ्रू आप पेमेंट वगैरह जो है बैंड के थ्रू कर सकते हो, इसलिए NFC का अलग से ये वेरिएंट रिलीज करने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं इसके मॉनिटरिंग की तो उसमें भी ये लोग मेजर अपग्रेड दे रहे हैं। तो पहला जो अपग्रेड हमें सुनने में आया है वो ये कि इसका जो हार्ट रेटिंग सेंसर है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है कंपेयर टू जो बाकी के एम आई बैंड थे, और बाकी के ऑलमोस्ट जो इस बजट में फिटनेस ट्रैकिंग जो बैंड आते हैं उसके मुकाबले इसका जो हार्ट रेटिंग सेंसर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इसमें आपको जो है ब्लड वॉल्यूम कंट्रोल करने का भी, जो आपका ब्लड वॉल्यूम होता है उसकी जो है आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, लाइक इसमें आप देख सकते हो कि आपका ब्लड वॉल्यूम ऊपर है नीचे है, तो ये सब जो फंक्शनैलिटी है वो भी आप अपने इस बैंड के थ्रू देख सकते हो अपनी एप्लीकेशन में। तो ये एक बहुत मेजर अपग्रेड जो है होने वाला है Xiaomi के एम आई बैंड 4 में। तो भाई ये सब स्पेसिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताई, तो ये एक बात तो क्लियर है कि इसका जो प्राइस है वो ऊपर थोड़ा होने वाला है, लेकिन भाई Xiaomi फेमस इसी चीज़ के लिए कि जो Xiaomi अपना प्रोडक्ट बनाती है स्पेसिफिकेशन चाहे वो अपग्रेड कर दे लेकिन उसकी जो प्राइस होती है वो थोड़ी बहुत ही हमें ऊपर देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो दोनों वेरियंट के अलग अलग प्राइस हमें देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको इंडिया के अंदर का प्राइस बताता हूँ, तो आपको इंडिया में NFC इनेबल जो बैंड रिलीज होगा उसका प्राइस आपको 5,000 रुपये तक का हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर मैं विदाउट NFC इनेबल बैंड की बात करूँ तो उसका प्राइस 3,000 रुपये तक मिलेगा, जो MI बैंड 3 का प्राइस इस टाइम है। उसी प्राइस में आपको MI बैंड 4 जो है कुछ दिनों बाद जब भी वो रिलीज होगा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप लोग MI बैंड
3 खरीदना चाहते हैं या कोई भी बैंड खरीद रहे हैं, अगर आप लोग थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं तो प्लीज़ गाइज वेट कर लीजिए इस बैंड के लिए, क्योंकि MI बैंड 4 काफ़ी ज़्यादा अच्छे मेजर अपग्रेड के साथ जो है मार्केट में रिलीज़ होने की पूरी तैयारी में बैठा हुआ है। तो थोड़ा बहुत अगर वेट कर लीजिए, अगर आप वेट नहीं कर रहे हैं तो MI बैंड 3 भी आज के टाइम में बहुत ही बढ़िया सा फिटनेस ट्रैकिंग बैंड है। उसके साथ ऑनर का भी जो है बैंड काफ़ी अच्छा है। अगर ऑनर बैंड के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके बिल्कुल रिव्यू टाइप मैंने पूरा बनाया था, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, तो आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।